नमस्कार, मैं इंदु कुमारी स्वागत करती हूं आप सभी का। आप है हमारे साथ जीते न्यूज झारखंड। रूबरू होते हैं आज के खास खबरों से। संकल्प एवं निर्माण संस्था के बैनर तले आज 8वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कई कंपनी के लोगों ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रक्तदान के बारे में आज मैं यहां संकल्प एवं निर्माण संस्था के इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आप देख रहे हैं मुख्य रूप से ये सभी यूथ्स जो हैं, लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे सामाजिक कार्यों में सम्मिलित है, और विशेषकर जो है रक्तदान, ये अभी 8वां रक्तदान इनके द्वारा किया जा रहा है। इसमें सारे जो जितने भी लोग हैं, सभी कार्य कहीं टाटा स्टील में और कहीं कहीं काम करने वाले लोग, और अपने बदौलत अपनी ज़िंदगी जीवन यापन चलाने वाले लोग हैं, और अपने बहुमूल्य समय निकालकर इस रक्तदान शिविर में सभी सम्मिलित हो रहे हैं। आज इसमें कितना यूनिट्स अभी तक कि टारगेट कितना यूनिट्स का भी रखा हुआ है? अभी हमारी इन लोगों से बात हुई, इन लोगों का टारगेट तो 100 का है, 100 रहता है, परंतु कि विगत वर्षों में इनके द्वारा करीब 70-80 यूनिट्स लगभग हर वर्ष जो है कलेक्शन ये लोग करते रहते हैं। इनका 8वां है, मुझे लगता है कि मैं इन्हें शुभकामना देता हूँ, और साथ में ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर इनको मजबूती दे और 100 यूनिट के करीब ये पार करें। आपको आज के जो युवा पीढ़ी है वो रक्तदान को लेकर कितना मोटिवेटेड है, आपको लगता है कितना जन आज ब्लड डोनेट करते हैं आज? देखिए, बहुत ही मोटिवेटेड है। मैं तो बल्कि जमशेदपुर के बारे में, जैसे अभी जमशेदपुर की धरती पर यह बात कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल यह पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर रक्त के वजह से किसी की भी मृत्यु नहीं होती है, और बल्कि यहाँ नहीं, यहाँ के अगल बगल के राज्यों से भी लोग जो है यहाँ पर ब्लड लेने के लिए आते रहते हैं। तो यहाँ तो बहुत जागरूकता है, और लोग काफ़ी ज़्यादा सामाजिक रूप से दूसरों की सेवा करने में सेवा लोग लगे रहे। आपका नाम? विकास सिंह। गुप्त सूचना के आधार पर जुगसलाई पुलिस ने छापामारी कर लगभग 42 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी नित्यानंद महतो ने बताया कि इस मामले में और भी कई लोगों की संलिप्तता का संदेश है एवं तलाश जारी है। 3 तारीख को कल शाम 6 बजे हम लोग को एक गुप्त सूचना मिली कि गरीब नमाज कॉलोनी में 2 व्यक्ति मोहम्मद एहसान और मोहम्मद विक्की के द्वारा ब्राउन शुगर बेचा जा रहा है। फिर हम लोगों ने एक टीम को गठित किया, जिसमें मैं स्वयं, इंस्पेक्टर साहब और प्रोबेशनर्स हमारे थे। सभी लोगों ने वहाँ पे टीम गठित करके छापामारी किया वहाँ पे, जिसमें हम लोगों को सफलता मिली, और कुल 42 पुरिया, एक के पास 17 और एक के पास 25 पुरिया, दोनों कुल मिला के 42 पुरिया हम लोगों ने जब्त किया उनके पास, और वहाँ पे हम लोगों ने विधिवत जो जब्ती होता है वो बना करके अभी हम लोग दोनों को अरेस्ट करके अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। जिसमें कहाँ से लोग लाते हैं और कहाँ से ये लोग कार्रवाई करते हैं, कोई पता चल पाएगा? ये लोग इस तरह का अभी कुछ बता नहीं पा रहे हैं खुल करके, कहाँ से ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, इन लोग का कौन है इनके पीछे। अभी हम लोग इनको पुनः रिमांड पे ले करके हम लोग फिर से पूछताछ इनसे एक बार करेंगे सारी चीज़ों की, इसकी गहराई तक हम लोग। सर, पहले कुछ आपराधिक इतिहास रहा है क्या इनका? इन लोगों का कुछ ऐसा विशेष कुछ आपराधिक इतिहास नहीं रहा। क्या कीमत होगी बाजार में इसकी? बाजार में कीमत तकरीबन 50-60 हज़ार के मूल्य की होगी। ये लोन दिलाने के नाम में लोग आज भी ठगी के शिकार हो रहे हैं। मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। काफी जानकारी करने पर लोगों ने महिला ठग को पकड़कर थाने के सुपुर्द किया। विडंबना भी इस बात की है कि ठगी महिला ने MGM अस्पताल में ही यह ठगी के धंधे की दुकान खोल रखी है।
कई दिनों से एमजीएम में अपने आप को वेलफेयर सोसाइटी कर्मचारी के रूप में काम कर रही इस महिला ने कई लोगों से लाखों रुपए लूट लिए। रिपोर्ट अमिताभ वर्मा की। टोटल आदमी सब कितना लोग सब मिला के लिया है 50,000 अपना बस्ती के 50,000 दिए। क्या नाम है इनका? संतोषी। आपका क्या नाम है? निर्मला। पूरा नाम आपका क्या हुआ? अभी कौन सा ड्यूटी में है? मैं बी शिफ्ट ड्यूटी में हूँ। मेरा नाम पंकज कुमार सिन्हा, मैं गृह रक्षक जवान हूँ जमशेदपुर जिला से। क्या मामला हुआ आज? आज जो एक संतोषी करके सोशल वर्कर खुद को बता कर यहाँ पर काम कर रही थी, मरीजों का देखभाल करती थी। अब वो सोशल वर्कर थी कि क्या, इस विषय में तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन कुछ औरतें 5-10 की संख्या में आई और उन्होंने बोला कि यह हमारी पैसे, मतलब लोन देने के बहाना से पैसा कुछ हमसे ली, 10,000-20,000 करके लगभग 10-5 लाख रुपया बटोरी, और उसके बाद ये हम लोगों को ना लोन दिलाई और ले करके भाग गई। तो इस मामला को जब वो लोग आपस में लड़ने लगी तो हम लोग उस लोगों को, जो आरोपी था और जो सम्मिलित था, उस दोनों को ला करके अपने कार्यालय में बैठा और इसके बाद साक्षी थाना को संपर्क किए और साक्षी थाना की PCR गाड़ी आई और लेकर चली। वो महिला यहाँ क्या करती है? वो महिला अक्सर बोलती थी हम सोशल वर्कर का काम करते हैं, जिसमें मतलब जो भी लवारिस हालत में जो मरीज पड़े रहती है। महिला बता रही है गरीब का किसी का पैसा तो उसको कम से कम ये बोलना चाहिए ना कि हाँ लौटा देंगे ना। क्या बोल के पैसा लिए? पैसा लिए कि मुद्रा लोन हम पास करवा रहे हैं। ठीक है, मुद्रा लोन पास करवा रही है तो उसको दे देना चाहिए ना, किसी गरीब का पैसा क्यों खा रही है? हाँ, गरीब का पैसा। कितने लोग से पैसा लिए? ये पैसा कम से कम 12 जन से लिए है पैसा। अच्छा, आपके बस्ती में? हाँ, मेरे ही बस्ती में। कौन से बस्ती के रहने वाले हैं? हम लोग मुखिया डंग RBS कॉलेज। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा पुष्पा तिवारी। चांदिल चौक बाजार में आज अनुमंडल अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार मिश्र के निर्देश पर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान अनुमंडल अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार मिश्र ने बताया कि दुकानदारों के अतिक्रमण से सड़क संकीर्ण होता जा रहा है, जिससे आवागमन के लिए लोगों को परेशानी हो रही है। चांदिल से GTN प्रतिनिधि कांग्रेस महतो की रिपोर्ट। स्थिति बनी हुई रहती है, रोड काफी संकीर्ण है और इससे बड़े बड़े गाड़ियों का परिचालन होते रहता है। इसी दरमियान में चांदिल बाजार में जो यहाँ के श्रमिक व्यापारी वर्ग हैं, उनके द्वारा रोड को कहीं ना कहीं किसी रूप में अतिक्रमित किया गया, जिससे कि रास्ता और ज़्यादा संकीर्ण बन जाता है। और इसी क्रम में कल पूरे चांदिल बाजार और डैम रोड में माइकिंग करा करके अनाउंसमेंट कराया गया था। आज 12 बजे तक का समय दिया गया था सभी दुकानदार भाइयों को कि जो भी आपने अतिक्रमण किया है उसको आप अपने रास्ते से हटा लें, नहीं तो 12 बजे के बाद जो है सो प्रशासन अपने से उसको हटाएगा, या आपको हटाना पड़ेगा और सामान भी आपका जब्त किया जाएगा। इसी क्रम में हमारे साथ अंचल अधिकारी चांदिल भी हैं, पुलिस बल भी हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, सब हम लोग चांदिल बाजार में पैदल मार्च करके एक दुकान को देख रहे हैं। और एक तरह से एक वार्निंग भी है आज के डेट में कि अगर ऐसा नहीं कि प्रशासन आज मूवमेंट कर रहा है तो आपने हटा दिया है, अगर भविष्य में इस तरह का और कहीं अगर इन्फोर्समेंट मिला तो विदाउट सूचना उनका सामान जब्त करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई भी करती है। सामान जब्त हुई है सर? अभी तक सामान जब्त नहीं है, क्योंकि लोग लेकर कपाली OP में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से कपाली नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता एवं कपाली OP प्रभारी प्रकाश रजक उपस्थित थे। बैठक में होली सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। इस मौके पर समाज सेवी ललित महतो, भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश कर्मकार, झामुमो नेता मोहम्मद अरसद, भाजपा नेता वृंदावन कुंभकार, गणेश कर्मकार, बसंत महतो, बुद्धेश्वर महतो, महादेव तुरहा समेत सभी पंचायत के वार्ड सदस्य उपस्थित थे। रिपोर्ट कांग्रेस महतो की। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में आज विभिन्न पंचायत भवन डुमरिया के बांकी सौर पंचायत भवन में, बहड़ा गोड़ा के ब्रह्मांड कुंडी पंचायत में, गुड़ा बांधा के मोड़ा काटी ग्राम पंचायत, घरसिला के गोपालपुर पंचायत मंडप भवन में, मुसाबनी के बंदिया पंचायत में, गोलमुरी एवं जुगसलाई प्रखंड के पश्चिम हलुदबनी ग्राम पंचायत, पटमदा के बनकुचिया में, धालमुंगर के कोकपाड़ा में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सीधा लाभ मुहैया कराया गया।
सरकार आपके द्वारा सरकार हम लोग तक मतलब बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आज यहां पर ही लगे हुए हैं जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, राशन कार्ड बनाना है और भी बिजली बिल, पानी बिल, जो भी समस्या है वो सरकार घर घर जा कर के करवा रहे हैं। तो माने जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है इससे आप लोग संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट, काम हो रहा है, काम हो रहा है, सरकार खुद कर रहे हैं, जो भी समस्या है हो रहा है। क्या नाम आपका? मेरा MD इमरान। कहाँ रहते हैं? यहीं पे दहीगोड़ा भोपाल। जहाँ तक हम लोग को लगता है कि इस तरह का जो कार्यक्रम आयोजित सरकार द्वारा किए जा रहे हैं ये जनता का हित में, और जो जो लोग मैंने ब्लॉग वगैरह जो जा करके जिसको जानकारी नहीं होता है यहाँ हर चीज़ की जानकारी भी मिल रहा है, उसको सहूलियत भी मिलता है और जो है जो भी समस्या है उसका समाधान भी हो रहा है। जहाँ तक हमको देखने मिला तो मैंने भी एक ऐसी समस्या को लेकर आया, उसमें CDPO मैडम से मेरा बातचीत हुआ, उसने उसका निदान हमको बताया जी।